नमस्कार भैया, हम लेके आ गए हैं देखो एक नौ वीडियो और भैया नई जानकारी के साथ। तो आप बताइए भैया, आप ईडीसी सप्लाई मशीन से का का काम करत हो? खाली आप मोबाइल ऑन करत, शॉर्टिंग चेक करत और बाकी को जो काम करत हो भैया ई मशीन से, कमेंट में जरूर बताइयो। हम आपको एक नई ट्रिक बतावे जा रहे हैं ई वीडियो में, तो आप बने रहो वीडियो में, देख सकत हो जा भैया अपनी मोबाइल ऑन करत वाली डीसी सप्लाई मशीन। तो आज की वीडियो में हम आपको देखो कोनो भी मोबाइल को फोल्डर होवे, हाँ कोनो भी मोबाइल को फोल्डर होवे उको अगर आपको जो बेल्ट होत है जी को आप फ्लेक्स बोलत हो, जो पत्ता ई पे जो कनेक्टर लगू रहते भैया, अगर जो डैमेज हो जाए, कैसो भी हो जावे डैमेज, तो आप ई को आसानी से ई डी सी जो अपनी मोबाइल की पावर सप्लाई होत है जो अपन ऑन करते हैं डीसी सप्लाई हमने आपको दिखाई है, इसी आप ई की मदद से और एक कंपोनेंट और है भैया वो की मदद से आप बिल्कुल आसानी से ही पत्ता के कनेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। तो बने रहो वीडियो में, देखो जो रहो फोल्डर, लेकिन हम आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं। तो हमारे पास एक टूटो पत्ता डलू है, देख सकते हो आप जो है, और कनेक्टर गजब को है ई में, सही है बिल्कुल ओके है, खाली बेल्ट टूट गया है। तो हमने सोची चलो ई कनेक्टर को आपको ई मोबाइल की डीसी सप्लाई है जो इसे रिप्लेस करके दिखा रहे, तो देख सकते हो जो है कंपोनेंट जो भैया होम थिएटर की आईसी है, तो देख सकते हो ई को नंबर आप आसानी से 2030A, तो ई को मॉसफेट आईसी बोला थे। तो हमने देखो एक और जो खराब आईसी है जो भाभी होम थिएटर की 2030 IC आए, तो ई के जो तीन पिन हैं देख सकते हो आप, देखो 1 2 3, तो अपन को जो तीन पिन हम निकालें दे रहे हैं, आप नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, तो हमें जो तीन पिन कछु काम के नहीं है, खाली अपन को दो पिन काम के हैं। तो हम आपको एक ही मदद से फोल्डर को जो कनेक्टर होते हैं एक को रिप्लेस करके दिखाएं आपको, आप बने रहो वीडियो में। हमारा नाम है भैया रामचरण और आप देखा तो आपको अपने यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो हो तो भैया सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लियो। तो देख सकते हो चाहे अपनी डीसी पावर सप्लाई मशीन, तो आपको इको वोल्टेज को तो पता ही हुई कि कैसो घटत है बढ़त है, तो आपको 6 पे या जितने पे भी हीट करने हो मतलब ई कंपोनेंट को, तो हम देखो 7.2 पे करें दे, मतलब 7.2 पे करें दे रहे हैं, 7.2 ही पे भैया अच्छा जो हीट हुई है कंपोनेंट। और देख सकते हो ये कि जो 2 लेग बचन दा है हमने, मतलब 2 पॉइंट बचन दा है, 2 टांगे, तो एक एक पॉइंट में भैया जी डीसी पावर सप्लाई मशीन के प्लस और माइनस वाले जी पिने हुए जी लगा दे रहा है, तो भैया देखो जो हीट होने लगी जाए इसी अपनी जो अपना 2030 IC है जो हीट होने लगी अच्छी, तो ई पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के अपन को और रखने हैं जो पत्ता और देखने हैं कि भैया निकलवे लायक हो गए है कि नहीं भाव। तो बिल्कुल आसान सो तरीका है भैया ई को निकालवे को। अब भैया कमेंट में लोग बोले कि भैया हमारे पास तो आयरन है, आयरन से भी निकाल लो, और हमारे पास तो SMD मशीन है तो हीट मशीन से भी निकाल लो, तो भैया हम बस आपको जो दिखावा चाहते हैं कि अगर आपके पास डीसी सप्लाई मशीन है तो आप इसे भी निकाल सकते हो और चेंज कर सकते हो, ये तो आपके पास सब कुछ हो, लेकिन जब समय खराब रहते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाते हैं,
तो आप बस इसे चेंज कर सकते हो। देखो कितना अच्छो कनेक्टर निकाल रहा है इन्हें, हैं देख सकते हो आप, ये आईसी से निकल आओ है। तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, इको नौ कनेक्टर ही पर लगा भी सकते हो। तो हम आपको जो ही कनेक्टर ही पर लगा के दिखाएं, लेकिन अबे नहीं दिखा रहे हम इको, आपको पहले दिखा दे हैं कि देखो कितना अच्छा निकल आओ है, ना तो क्या उसमें डैमेज भा हुआ है ना भैया, जो गर्म की वजह से हम मतलब कि हमसे टेढ़ो टाप तो नहीं हुआ है। अब भैया फिर से ऑन करते हैं अपनी मशीन को, कह के उनको भी लो हो सकता है फॉल्ट की वजह से अपनी मशीन ख़राब हो गई के चांस हैं, तो इसे बंद कर दो और फिर से ऑन करके और लगा के देखते हैं भैया ये कनेक्टर को आपके सामने है देख सकते हो। देखो थोड़ा सा पेस्ट लगा के और जैसो कनेक्टर भैया निकालू तो वैसे ही कनेक्टर आप नव भी लगा सकते हो इको ई पे। तो हमें नव काय को लगाने भैया, हम तो टूटे कनेक्टर पे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी पा रहे हैं देख सकते हो आप, कि जो कनेक्टर खिंचाते वास्तव में ये आई सी से, तो आपने देखो कि खिंच तो गए। अब भैया जैसो लगू तो सबसे पहले कंपनी जैसो, तो बेसो लगा थे कि नहीं लगा थे आप बस जो ही देखियो, तो आप देख सकते हो। देखो कनेक्टर तो भैया अच्छा लग गया है देख सकते हो आप, जैसो लगू तो वैसे ही जहीं को तहीं रख दो सो लग गया है। तो आप ई आई सी की मदद से देखो ऐसो कनेक्टर जो अपने फोल्डर होते हैं, तो कनेक्टर को आप रिप्लेस बिल्कुल आसान तरीक़े से कर सकते हो। मात्र एक जो अपनो होम थिएटर होते हैं, होम थिएटर में भैया आईसी लगी रहते है, उनमें तीन आईसी लगी रहते हैं भैया, कछु कछु में पांच आईसी रहते हैं, कोनो कोनो होम थिएटर में तीन आईसी लगी रहते हैं। तो आप जब 20-30 आईसी है जो 20-30 ए, तो आप ई आईसी की मदद से देख सकते हो अपने जो मोबाइल को कोम्बो होते हैं फोल्डर ई में फ्लैक्स में देख सकते हो, जो कनेक्टर लगूरत है जो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। देख सकते हो आप बिल्कुल क्या गजब को लग गया है जिंक होता ही, जैसो भैया कंपनी से लग के आउट है वैसा ही। तो भैया कैसो लगो वीडियो, वीडियो को करियो लाइक और चैनल को कर लियो सब्सक्राइब, इसमें भैया हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलत रहे आएंगे वीडियो जो भी हम अपलोड करें तो। और भैया कमेंट जरूर करियो कि कैसो लगो वीडियो, देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छो चिपक गए है जैसो कंपनी से लग के आउ थे। तो आप देख सकते हो जा रही आईसी 20-30 मॉस्फेट आईसी होम थिएटर की, ई की मदद से भैया आप अपने फोल्डर के कनेक्टर को ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।